हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज रेणुका रेयो व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोग से बात कर लूँ, मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँ। आज अभी शाम का टाइम है, शाम के बज रहे हैं 7:30, और मैं आज पूरे दिन मैंने काफ़ी बार ट्राई किया कि मैं अपना व्लॉग शूट करूँ, आप लोग से बात करूँ, लेकिन मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी गाइज, मुझे सॉरी बोलना बिल्कुल इस तरीके से अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं एक्सक्यूज़ दे रही हूँ, बट ट्रस्ट में मैं थोड़ा बिजी थी। मैं कभी आपसे शेयर करूंगी क्यों। और तो ठीक है गाइस, कल जैसे कि कल मैं तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर। तो मैं आप लोगों से आज अभी मैं बात कर लेती हूँ। और तो गाइस, मेरे को कल मैंने एक टॉपिक कवर किया था, प्लस मैंने एक अपने सब्सक्राइबर या क्लोज्ड वन का मैंने आंसर किया था। तो ना, आप अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा उसका आंसर। एंड येस गाइस, मुझे आपसे ये जानना था कि क्या मैं आप लोग के नेम्स को डिस्क्लोज कर सकती हूँ? अगर थोड़ा एक्साइटिंग हो जाएगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सब क्वेश्चन पूछते हैं और अगर मैं उसका आंसर कर रही हूँ तो आप चाहते हैं कि मैं आपके नेम्स को डिस्क्लोज करूँ? अगर येस तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए व्लॉग बहुत एक्साइटिंग हो जाएगा, और जो देख रहा है वो भी वो और क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज जरूर बताइए गाइस, आप मुझे इस तरह के नहीं बताते हैं, आप अलग से मैसेज करते हैं, प्लीज मुझे लेकिन कमेंट करके बताइएगा। सेकेंडली गाइस, कोविड बहुत ज़्यादा ही हिट कर रहा है, और मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड वन हैं, कुछ क्लोज्ड वंस हैं जिनको कोविड ने ऑलरेडी हिट कर दिया है। तो विश यू अ वेरी स्पीडी रिकवरी, और जो लोग उस कोविड से बाहर आ गए, अगर उस टाइम आप अपना ध्यान नहीं रख पाए हैं किसी भी रीज़न की वजह से, आप अकेले थे या जो भी, तो आप अब अपना ध्यान रखिए अब, क्योंकि मैं क्या, आप खुद नहीं चाहते होंगे कि, और आपको ये मालूम भी नहीं होगा कि कल को वो वीकनेस आपकी बॉडी की कल को कहाँ आपको परेशानी दे सकती है फ्यूचर में। तो इस तरीके का ज़रूर आप अपना प्लीज़ ध्यान दीजिए, हल्दी वाला दूध या जो भी आप कर रहे हैं प्लीज़ करते रहिए, कुछ दिनों तक अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे लीजिए, ठीक है गाइस। तो कल मैंने जो कि बेबी का एक और मैंने टॉपिक कवर किया था कि बेबी का आप बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करें लॉकडाउन में, तो उसमें ट्रेजर हंट वाला आइडिया सबको बहुत अच्छा लगा था। गाइस मैंने खुद किया हुआ है, तो मुझे बहुत, रिदांश के साथ नहीं किया है मैंने, और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ किया हुआ है, तो रिदांश तो बहुत छोटा है अभी। तो ठीक है गाइस, तो मुझे एक जो क्वेश्चन आ रहा था वो ये था कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू क्रिएट योर ओन चैनल ऑन योर यूट्यूब। तो गाइज मैं इसका आंसर करूंगी कि बहुत सारी इंस्पिरेशन हर जगह से सबको मिलती है, आपको मिलती होगी, मुझे भी मिलती है, लेकिन हाँ मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगी कि इंस्पिरेशन इधर से उधर से कहाँ से मिली। मैं ऑनेस्ट आपको बताऊंगी कि मैं खुद, जैसे मैं, आप बहुत लोग जानते भी होंगे, आई वॉज़ वर्किंग इन नोएडा इटसेल्फ, बस बिफोर माय मैरिज मैंने उसको क्विट कर दिया था, और मैंने सोचा था कि अपनी मैरिज को थोड़ा टाइम दूंगी और अपने जो इन लॉज हैं उनको थोड़ा टाइम दूंगी, जिससे मैं चीज़ों को बैलेंस कर पाऊँ, चीज़ों को, नई चीज़ों को समझ पाऊँ, और उनको भी अच्छा लगा होगा आई एम श्योर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और फिर रिदांश हो गया, फिर भी फिर वो हो नहीं पाया अगेन कि मैं दोबारा अपनी जॉब को रिज्यूम करूँ, और फिर ये कोविड डेज, अगर मैं सोचती भी लास्ट है कि चलो मैं रिज्यूम करती हूँ वापस, तो ये कोविड ने तो बिल्कुल भी, आप नहीं सोच सकते हो कि हाँ आप कुछ वापस आप रिज्यूम कर सके, या कुछ जो आपने एकदम स्टक था वो वापस स्टार्ट करें। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्लॉग्स बनाती हूँ, और हाँ इन व्लॉग्स की इंस्पिरेशन मैं सच बोलूँ तो मुझे वहाँ से मिली थी कि मैं 2-3 साल से व्लॉग्स बहुत सारे देखती हूँ, मेरे कुछ फेवरेट व्लॉगर्स भी हैं, आपके भी होंगे ना, आपके कौन से हैं बताइएगा, फिर मैं देखूँगी, मैं भी उनको देखूँगी, जो मेरे भी होंगे मैं भी उनको आपको बताऊँगी कभी। तो मैं देखता था यार गाइस कि लोग कितना कुछ कर रहे हैं, सब कुछ अपने अपनी क्रिएटिविटी को दिखा रहे हैं कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। और तो गाइस मुझे भी लगा कि यार मैं भी इस तरीके का कुछ कर सकती हूँ, मुझे कैमरा या फोटोग्राफी ये सब का बहुत ज़्यादा शौक है, हालांकि मैंने इस पैशन को बहुत ज़्यादा कंटिन्यू कभी किया ही नहीं। तो अब मैंने सोचा कि यार इस तरीके से यूट्यूब चैनल बनाओ तो शायद मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, और मैं नए लोगों से जुड़ूंगी सोशल मीडिया पर, तो मैंने इसलिए अपना ये चैनल क्रिएट किया है। मैं धीरे धीरे और सीख रही हूँ आप लोग के साथ, सब कुछ होगा गाइस, थोड़ा टाइम मुझे लग रहा है, थोड़ा सा पहले आप मेरे को, मैं चाहती हूँ कि आप पहले मुझे जान लीजिए, मैं आपको जानूँ तो मैं अपनी चीज़ें शेयर करूँगी, तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। हो सकता है आप लोग सब समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ।
ठीक है गाइस, तो ये इंस्पिरेशन मुझे यहीं से मिली कि मुझे लगा कि मैं ये एक राइट टाइम है और अब जब रन 2 साल का हो गया तो मैं अपना कुछ अब स्टार्ट कर सकती हूँ। आई एम सॉरी। तो मुझे लगा ये यूट्यूब मेरे लिए बेस्ट है, मुझ जैसे लोगों के लिए, और मैं बहुत हार्डवर्क करूँगी। मैं एक पंक्चुअलिटी को भी मैं ज़रूर बैलेंस करके पंक्चुअल रहने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँगी, आप लोग के सारे जवाब सब कुछ धीरे धीरे। मैं कुकिंग व्लॉग्स भी लाऊँगी आप लोगों के लिए। और बस तो यार बस यही एक इंस्पिरेशन थी कि मेरा एम्बिशन था, पैशन था कि मुझे करना है। 2-3 साल पहले से मैं सोच रही थी, अब ये मुझे लगा राइट टाइम है कि मैं कुछ आगे परस्यू कर सकती हूँ, और आप सबका सपोर्ट रहेगा तो मैं और आगे बढ़ूँगी। ठीक है गाइस, तो कल ये मेरे जो मैंने आपको आंसर कर दिया है, और मैं आज एक और चीज़ कवर करूँगी गाइस कि अगर आपके पार्टनर का बर्थडे आ रहा है या आपकी एनिवर्सरी आ रही है तो किस तरीके से आप अपना उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। और मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है और उसने मुझे ये मैसेज किया था कि आप बताओ, तो ठीक है आपके लिए हो सकता है मेरे टिप्स या कुछ आइडियाज़ आपको आपको हेल्प करें कहीं ना कहीं। अगर आप कुछ अलग करें तो मुझे बताइएगा, मैं भी ज़रूर ट्राई करने की कोशिश करूँगी। तो गाइज ऐसा था कि ऐसा है कि आप टिप नंबर 1 लेते हैं। आप जैसे केक जो है वो तो बहुत ही एक कॉमन चीज़ है जो हम सब लोग ही करते हैं। कुछ लोग को खुद से बेक कर रहे हैं क्वारंटीन लॉकडाउन में, कुछ लोग बाहर से मंगा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे बेकर्स हैं आपकी खुद की सोसाइटी में होंगे जो अभी भी केक आपको डिलीवर कर रहे हैं लॉकडाउन में या ये जो कोविड डेज चल रहे हैं। तो मेरी खुद की एक फ्रेंड है, मेरी सोसाइटी में रहती है, जहाँ रिदांश के 2nd बर्थडे का केक मैंने वहीं से कस्टमाइज़ करवाया था। अगर आपको चाहिए तो मैं उनका नंबर आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी कभी और, लेकिन आप मुझे बताइएगा गाइस। तो गाइस कस्टमाइज आप केक करवा सकते हैं। केक को आप कैसे कस्टमाइज करवाएं कि थोड़ा एक्साइटिंग लगे, तो गाइस अगर सपोज अगर आपकी अपनी फीमेल पार्टनर के लिए आप कुछ कर रहे हैं तो केक कस्टमाइज कैसे करवा सकते हैं उनको, जैसे गर्ल्स को कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक, क्लिप्स और ड्रेसेस, शॉपिंग कूपन्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप ये सब कुछ उस केक में कस्टमाइज़ करवा सकते हो, उसको बहुत मज़ा आएगा। और सेकेंडली अगर आप अपने हस्बैंड या हस्बैंड के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं केक कस्टमाइज़ करवाने का उनका बर्थडे, तो गाइस एक जैसे वो जहाँ जिस ऑफिस में काम कर रहे हो उस कंपनी का नेम, या अगर वो किसी कंपनी को ओन कर रहे हैं उनका खुद का वेंचर है तो उसका लोगो आप उस पर केक पे बनवा सकते हैं, तो उनको थोड़ा और मज़ा आएगा। और जैसे बॉयज़ बोलते हैं ना यार कुछ प्रोडक्टिव होना चाहिए, तो प्रोडक्टिव इस तरीके से आप कि आपके लिए भी एक केक भी हो जाएगा, बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो जाएगा और उनको भी लगेगा यार देखो कि हाँ ये कितना ध्यान रखती है। तो ये कुछ अलग आइडिया है आप कर सकते हैं। तो गाइज ये होगा टिप नंबर 1 केक को कैसे कस्टमाइज़ करवाते। कस्टमाइज केक थोड़े एक्सपेंसिव ज़रूर होते हैं, बट ठीक है, वंस इन अ वाइल्ड, वंस इन अ ब्लू मून आप कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये था आपका, मैं फर्स्ट आइडिया आपसे शेयर करूँगी। सेकेंड आइडिया मैं आपके साथ ये करूँगी कि जैसे आप हमेशा बाहर जाते होंगे हर बर्थडे पे या क्या कैसे करते हैं, तो गाइज इस बर्थडे को आप अपनी इवनिंग को ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि आपका जो डाइनिंग एरिया है या जो डाइनिंग टेबल है, जो ईटिंग एरिया है, ईटिंग टेबल है, उसको आप थोड़ा अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। सब लोग रेस्टोरेंट जाते होंगे तो देखते होंगे किस तरह डेकोरेट है, कुछ वैसा आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा सा रनर है, टेबल रनर, तो उसको रख लीजिए, आप वैसे कर सकते हैं अच्छे से। कुछ अरोमा वाले कैंडल्स रख लीजिए, अगेन ब्लूटूथ स्पीकर आप रख सकते हैं, और कोई एक सूदिंग सा प्लीजेंट सा कोई म्यूजिक चला दीजिए। जरूरी नहीं है कि बहुत ही आपको ताबड़तोड़ सा म्यूजिक चलाना या हिप हैप सा कुछ आपको चलाना, नहीं गाइस ऐसा कोई नहीं होता है। प्लीजेंट सा लगाइए तो बहुत अच्छा आपको भी फील होगा, आपके जिसके लिए आप करें उनको भी फील होगा। और आप कुछ ड्रिंक्स वहाँ रख सकते हैं, आजकल बहुत शेक्स होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं। और अच्छे से गाइस टेबल डेकोरेट के लिए, आपको पता है कि मुझे टेबल डेकोरेट करना बहुत पसंद है, इनफैक्ट धीरेश को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं टेबल को अच्छे से डेकोरेट करूँ, खाने को अच्छे से सर्व करूँ। होता ना खाना देख के अगर अच्छे से सर्व हो तो बस मज़ा ही आ जाता है, बस इसी तरीके से। तो आप ऐसा कुछ करिए तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, खुद भी प्रेजेंटेबल बनिएगा गाइस, अगर आप बॉय हैं या गर्ल हैं, जिसके लिए भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं आपका बर्थडे नहीं है, आप सिर्फ एफर्ट्स डाल डाल के थक गए, पसीने निकल गए, तो आप रेडी नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल मत करिए गाइस। प्रेजेंटेबल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप फोटोज क्लिक करेंगे
तो वो हमेशा आपके लिए अगेन एक लाइफ टाइम मेमोरी हो जाएगी। और आप अच्छे अच्छे वहाँ पे लाइक मैंने कैंडल्स बोले थे, स्पीकर्स बोला था, और आप जैसे ड्रिंक्स बोला था अगेन मैं, और एक जैसे आप सर्विंग बोल में आपने अपने डिशेस सर्व करी हैं ऑलरेडी, कोई एक सर्विंग बोल को आप खाली रखिएगा और उसमें उनके लिए कोई नोट डालिएगा, और नोट इन द सेंस कि बर्थडे के लिए उनके लिए कुछ आप अच्छा लिख सकते हैं कि आपकी, या उनकी पांच कुछ उनको पॉजिटिव, अपनी पॉजिटिव बताइए कि आपके अंदर ये पॉजिटिव है, तो गाइस उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर के लिए कर रहे हैं उनके लिए आप कुछ लिखिए, तो उसको तो बहुत, गर्ल्स को बहुत अच्छी लगती है, आई एम श्योर बॉयज़ को भी बहुत अच्छा लगेगा अगर इस तरह कुछ नोट लिखेंगे आप तो। और तो बस ये था सेकेंड टिप, आप इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। एक बोल मेरे कहने में ज़रूर खाली रखिएगा उनके लिए नोट डालने के लिए। थर्ड टिप मैं गाइज ये दूंगी कि आप अगेन आप 4-5 गिफ्ट्स कर सकते हैं। गिफ्ट ज़रूरी नहीं है बहुत ही एक्सपेंसिव हो कि मोबाइल फ़ोन हो या वॉच हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी उनको दे सकते हैं, कुछ भी गाइज। या आप छोटे छोटे कुछ क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए, अगर क्रिएट करने का टाइम नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो कि उनको जो भी उनकी नेसेसिटी, उनको जो ज़रूरत है, आप उस तरीके से कुछ कर सकते हैं। लाइक अगर वो नहा के आ रहे, अपनी वार्डरोब ओपन कर रहे हैं, तो उनको कुछ ऐसा सामने से दिखे कि उनको बहुत अच्छा लगे कि यार चलो मेरे लिए इतना सोचा। गाइज एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जैसे स्पेशली जो बॉयज़ होते हैं या हमारे फादर होते हैं, तो वो हमारे लिए, आपने बचपन से नोटिस किया होगा, अभी भी नोटिस कर रहे होंगे कि गर्ल्स को या अपनी फैमिली के और फैमिली मेम्बर्स के लिए वो बहुत कुछ करते हैं। वो सोचते हैं कि चलो ठीक है यार इनके लिए कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम अपने लिए देखूंगा, बट वो नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आता है। गाइस कौन ये कौन कौन लोग ये चीज़ मानते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बहुत एग्री करती हूँ। तो गाइस उस छोटी सी आप चीज़ का उनके ध्यान रखिए, वो कहने के लिए छोटी, वो बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है उनके लिए, और उनको बहुत अच्छा लगेगा कि वो जो बहुत चीज़ें बहुत टाइम से सोच रहे थे कि नहीं मैं कभी और ले लूँगा या ले लूँगी, आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो गाइज ये एक और टिप थी। और गिफ्ट्स मैंने आपको बोला, सॉक्स आप कर सकते हैं, या उनको कपड़े के अलावा बहुत कुछ होते हैं देने के लिए, परफ्यूम हुआ, बॉडी मिस्ट हुए, जो भी आपको ठीक लगे आपको उनको देना चाहिए, या कस्टमाइज गिफ्ट भी बहुत आते हैं, बट दैट्स वेरी कॉमन। लेकिन हाँ, कॉमन तभी होता है जब आप उसको कई बार कर चुके होते हैं। अगर आपने कभी नहीं किया तो वो कॉमन आपके लिए नहीं है, तो डू ट्राई दैट। और गाइज आप ट्विनिंग कर सकते हैं कपड़ों की, ज़रूरी नहीं, अगर शाम को अगर मान लो उन्होंने कुछ और भी प्लान रखा है कि चलो मैं अपने लिए ये मंगा लेता हूँ या मंगा लेती हूँ, आज मैं अपने बर्थडे पे या अपने बर्थडे नाइट में ये पहन लूँगा या पहन लूँगी, तो गाइज आप उनके लिए मॉर्निंग के लिए आप कोई ट्विनिंग टी शर्ट्स या कोई कुछ भी मंगा सकते हैं, आप दोनों साथ में ट्विन करिए। गाइज आई नो इट्स अगेन अ वेरी कॉमन आइडिया, लेकिन मैंने बोला ना कि आप जब तक आपने ट्राई नहीं किया तो वो कॉमन नहीं है, आप कहीं बाहर नहीं जाना है, तो आप घर में इस तरह के से कर सकते हैं। तो आपके लिए मैंने फिर बोलो कि आप हमेशा चेरिश करोगे गाइज इस मेमोरी को, क्योंकि आने वाले सालों में, हो सकता है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली हम कोरोना को बीट करेंगे, हम फिर बाहर जाएंगे, तो आप इसी दिनों को मिस करोगे गाइज, स्पेशल कि हमने यार वैसे किया था। तो अगेन गाइज मैं यही बोलूंगी कि आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं, और सिर्फ बर्थडे में नहीं, फिर आप वैसे भी इसको नॉर्मल दिनों में, अगर नहीं जा सकते आप वैसे बहुत बाहर, आपको आप बहुत फन लविंग है इस तरीके से, आपको बाहर जाना बहुत पसंद है, तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं गाइज। तो मैं फोर्थ जो आपके साथ आइडिया शेयर करूंगी वो ये करूंगी कि आप जैसे आप उनके लिए कुछ स्पेशल जैसे कुक करते हैं, अगर जैसे उनकी मम्मी हैं या उनके पेरेंट्स उनके लिए छोटे में क्या करते थे, क्या उनको बहुत पसंद था, अगर उस चीज़ का ध्यान रखें, आप उस दिन स्पेशल उनके लिए कुक करेंगे, जैसे कुछ पुरानी डिशेज जैसे खीर हुई, या मम्मी उनकी कुल्फी बनाती थी घर में, आइसक्रीम बनाती थी, तो आप कर सकते हैं गाइस। ये बहुत आजकल कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, बॉयज़ भी कुक करते हैं, और तो आप करिएगा, उनको बहुत ही ज़्यादा सब कुछ अच्छा लगेगा। या फिर जहाँ उनकी अब वो अपना वर्क फ्रॉम होम अपना काम कर रहे हैं, वहाँ अगेन आप उनके लिए कुछ एक छोटा सा फ्लावर रख सकते हैं, एक छोटी सी पेस्ट्री रख सकते हैं, या एक कॉफ़ी उनके लिए, कॉफ़ी
बना के उनको धीरे से दे के आइए, बीच बीच में उनको सर्व करिए, डिस्टर्ब मत करिएगा, लेकिन आप कर सकते हैं। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं जो आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बलून डेकोरेशंस होने चाहिए या ऐसे ही होगा तो ही बर्थडे लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और यस गाइस, सरप्राइज़ कुछ भी नहीं होता। आप ये सोचेंगे कि आप, मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि उसको सरप्राइज़, उसको कैसे पता चलेगा कि मैं सरप्राइज़, उसको कैसा उसका रिएक्शन रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। लाइव सेलिब्रेशंस में भी बहुत मज़ा आता है अगर आप कर रहे हैं, अगर वो देखेंगे कि आपके एफर्ट्स, आप इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं गाइस। अब आप बोलेंगे क्या ये करके तो मैं उनको जताऊंगा या जताऊंगी, गाइस जताना कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप सामने वाला, आप वही होता है ना कि कहते हैं ना कि जब तक आप खुद नहीं करते आपको पता नहीं चलता, या जब तक आप खुद नहीं देखते आपको मालूम नहीं पड़ता कि कैसे हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप, इस तरीके से नहीं मैं बोलूंगी, मतलब ये बोलूंगी आप सरप्राइज का मत सोचिएगा कि मुझे सरप्राइज करना है। आप उनके सामने भी करेंगे ना तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, चलो एफर्ट, हालांकि वो बोलेंगे यार कोई जरूरत नहीं इतना करने की, क्यों कर रहे हो आप, क्यों कर रही हो आप। तो कुछ नहीं होता है, आप बिल्कुल करिएगा, उन्हें बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके गाइस, तो मुझे लगा कि आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा ये आइडियाज़ मेरे। और घर पे रह के गाइस इसी तरीके से कुछ हो सकता है। बहुत अगर एक्सपेंसिव आपको या बहुत हाई बजट आपका नहीं है, घर पे रह के अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। बाकी ऑल डिपेंड्स कि आप उनको क्या देना चाहते हैं, आपका खुद का क्या प्लान है। गिफ्ट्स तो होते ही हैं अगर आप देना चाहते हैं, नहीं तो ये सब चीज़ें में डेफिनेटली उनको बहुत अच्छी लगेंगी। अगर आप कुछ और स्पेशल करते तो मुझे बताइएगा, मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगी। मुझे ये सब चीज़ें करने में बहुत 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 मज़ा आता है। अगेन गाइज, मैं ये बोलूँगी कि सब चीज़ होने के, सब कुछ करने के ऊपर भी आप इन बातों का ध्यान रखिएगा कि आपको हाइजीन मेंटेन करना है, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा हाई हिट हो गया है, बहुत ज़्यादा लोगों को कोरोना हो रहा है। और आप सारे मेजर्स आप फॉलो करिएगा। बस गाइस, मैं डेफिनेटली कल आपके साथ कुछ अलग नए व्लॉग को लेके आऊँगी और क्लिप्स पूरे दिन की आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। कोशिश क्या, मैं करूँगी ही करूँगी, मैंने सोचा है। तो चलिए, मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इस व्यूज़ आप देते हैं बट आप लाइक नहीं करते, गाइस प्लीज़ लाइक करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और एक और चीज़ मैं बताऊंगी कि मेरे कुछ एक दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे फेसबुक के थ्रू, या फेसबुक हुए या कोई चैट्स हुई या कोई ग्रुप्स हैं, मैं से व्हाट्सएप हुआ, वहाँ पे अपने काफ़ी लोग स्टेटस पे मेरा चैनल का नाम और लिंक शेयर करके अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग देखो और शेयर करो। तो गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरे बारे में इतना सोचते हो, इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे हो मेरे लिए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर नाम लूँगी, प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके गाइज, चलिए बाय, टिल देन मैं, लेट्स, आई विल मीट यू टुमारो। ओके बाय।